नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर की सोती हुई पुलिस, इसीलिए कहा जाता है पुलिस सो रही है, घटनाएं हो रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस की सरकारी गाड़ी जो कि मेन रोड पर खड़ी है और उसका सरकारी ड्राइवर सोता हुआ दिख रहा है। खबर चलने से पहले ना पूरे मामले की प्रमुखता से जांच की तो पता चला कि ये किदवई नगर थाने की चौकी की जीप है, जो बीते 13 फरवरी दिन शनिवार को गोविंद नगर स्कूल से लौट रही छात्राओं से मोबाइल लूटने के प्रयास कर रहे युवक की गाड़ी टकरा गई और गिर गई तो पब्लिक ने दौड़ाकर दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था। वही छात्राओं की हालत नाजुक देखकर पब्लिक ने संकेत नगर PPF हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। वही काफी देर बाद पहुंची पुलिस जब मामले की पूछताछ करने हॉस्पिटल गई तो वहां सड़क पर ड्राइवर अपनी सरकारी गाड़ी पर ही सो गया, तो भीड़ की पब्लिक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें साफ देख सकते हैं कि लूट जैसी घटना होने के बाद 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिसके बाद मामले की जानकारी न करते हुए आराम फरमाते नजर आ रहे हैं ड्राइवर साहब। वहीं जब युवक ने वीडियो बनाते समय ड्राइवर को जगाया गया तो गहरी नींद में जागे और कहने लगे, रहने दो यार, क्यों वीडियो बना रहे हो, आखिर कब जागेगा प्रशासन। प्रशासन की लापरवाही के चलते भी कई घटनाएं बराबर होती चली आ रही है। ड्यूटी के नाम पर टाइम पास कर रहे हैं पुलिसकर्मी। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता भूपेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट।